So the next example is compute the compound interest on rupees 12,000 for 2 years at the rate of 20% per annum when compounded half yearly, right? तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कभी क्वार्टरली, दोनों मिक्स में ले रहे हैं। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मीनिंग क्या हो गया, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। हाफ ईयरली मीन्स वन ईयर के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, हाफ एंड हाफ। मीन्स जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है कोई भी इंस्टीट्यूशन में, या हमने लोन लिया है कोई भी इंस्टीट्यूशन से, तो अब हम हाफ ऑफ ईयर का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट और स्टेटस जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है? मतलब हाफ ईयर में कितना कंपाउंडेड हुआ है। तो वन ईयर में कितने पार्ट हो जाएंगे, टू पार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि इसका फॉर्मूला जो होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस रेट हाफ हो जाती है, और टाइम जो है वो टू एन हो जाता है। हाफ ईयरली है तो क्वार्टरली है तो यहाँ फोर आ जाता है एंड यहाँ भी फोर आ जाता है, ठीक है? तो अभी हमारा जो अप्लाई होगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा, ये वाला अप्लाई होगा। जो जो गिवन है हम वो लिख लें। गिवन में हमारे पास प्रिंसिपल है 12,000 रुपीस, रेट है 20% एंड टाइम है 2 years। सिंपल क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, अब हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करें क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1 + R = 20/200, वाई सो, बिकॉज रेट का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, एंड टाइम इज 2, और यहाँ पे आपके फॉर्मूले में आता है 2 × 2। तो लॉजिकली भी आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ 2 साल की बात करें, दे आर आस्किंग अबाउट 2 years एंड हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। मीन 6 मंथ का एक स्टेटस देखेंगे, फिर 6 मंथ का, देन 6 मंथ एंड देन 6 मंथ, तो ऐसे 4 पीरियड्स में हमको स्टेटस मिलेगा, ठीक है? तो 2 years बोला है तो ये 4 हो रहा है, तो देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 years के 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। ये हो गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इलेवन बाई टेन टू दी पावर 4, 12,000 × 11/10 × 11/10 × 11/10 × 11/10 × 11/10, 4 times है, तो मैंने ओपन कर दिया। इसको जब हम कैंसिल वैंसिल सब करेंगे, मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर है। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस थिंग्स, और थोड़ा सा कर देती हूँ, 11 को जब हम 4 times मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव यू 14641/10, क्योंकि एक 0 बचा हुआ है, एंड फाइनली इट विल बी इक्वल टू 17569.20 रुपीस। कहीं मिस्टेक से मैं रुपीस लिखना भूल जाऊं तो आपको यूनिट मेंशन करनी है, क्योंकि यूनिट जो है रुपए में है, ठीक है? तो ये था सिंपल सा कैलकुलेशन, जब हमें क्या केस दिया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब सिमिलरली हम एक आध क्वेश्चन और लेंगे ना। अनदर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मच वुड अ सम ऑफ रुपीज 16,000 amount to in टू ईयर्स टाइम एट रेट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट
इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली, अगेन कौन सा क्वेश्चन है, हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली क्वेश्चन है तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, आर बाय 200 हो जाएगा एन होल टू द पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सारे सम्स कर रहे हैं। नाउ प्रिंसिपल इज 16,000 रुपीस, रेट इज 10% मीन्स 5 हो जाएगी जब हम अप्लाई करेंगे, एंड टाइम इज, टाइम को आप टी और एन जो चाहे वो लिख सकते हैं, 2 ईयर्स। फॉर्मूला अप्लाई किया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/200 to the power 2n बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूशन करेंगे, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 10/100 की प्लेस पे हो जाएगा 200 टू द पावर 2 × 2, 16,000 × 0, 0 कैंसिल, 21/20 टू द पावर 4, ओपन कर लेंगे 4 टाइम्स बिकॉज पावर जो है आपकी 4 है, आई थिंक कुछ जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब ये सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा 1,9,448.10 रुपीस। यूनिट आपको मेंशन करनी है, या क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं पूछा, अगर इंटरेस्ट पूछते तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते, बट इन दिस क्वेश्चन दे आर क्लियरली आस्क्ड हाउ मच अमाउंट, तो हमने ए फाइंड किया, ये जो भी फाइंड किया है दिस इज अमाउंट, अगर इंटरेस्ट बोलते तो हम अमाउंट में से ये 16,000 प्रिंसिपल माइनस करके इंटरेस्ट फाइंड कर लेते, ठीक है। तो ये था हाफ ईयरली पे बेस्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन अगेन हाफ ईयरली, पर देखिए इसमें टाइम थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है। श्याम डिपॉजिटेड इन अ बैंक ₹7,500, श्याम ने 7,500 रुपीस डिपॉजिट किए जस्ट फॉर 6 मंथ्स, अभी तक हमें सिर्फ 6 मंथ्स नहीं आया, एट द रेट 8%, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, दे आर आस्किंग अबाउट क्वार्टरली, अभी प्रीवियस क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन हाफ ईयरली, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। सबसे पहले क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो आप फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू इन अ ब्रैकेट 1 + r/400 होल टू द पावर 4n। ये क्यों होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, क्वार्टर मींस 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो क्वार्टर है तो यहां पे 4 आ जाएगा एंड फॉर्मूले में 4 to the power n आ जाएगा। 1 ईयर मीन्स 3 3 3 मंथ के 4 पीरियड्स आएंगे, ठीक है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ एंड 3 मंथ, तो कितने पीरियड्स हो गए, 4 पीरियड्स। तो क्वार्टरली जब भी होगा तो यहाँ पे 4 का डिवीजन हो जाएगा और टाइम में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जो जो गिवन है वो लिख लें, प्रिंसिपल इज 7,500 रुपीज, मीन श्याम जो है माइट बी एक स्टूडेंट होगा एंड 7,500 रुपीज उसने बैंक में जमा किए होंगे, अब वो चाहता है कि 6 मंथ में मेरा पैसा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, रेट जो दी है बैंक ने उसे दैट इज 8%, टाइम इज 6 मंथ, 6 मंथ मीन्स हाफ ईयर
और साथ में कंपाउंडेड क्वार्टरली है इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाता, और अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो ना यहाँ कुछ आता ना यहाँ कुछ आता, सिंपल फॉर्मूला होता अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। हमने बहुत सारे सम कर लिए हैं तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इज वॉट 8 बाय क्वार्टर है दैट्स वाई 400, 4 इंटू हाफ। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 7500 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 8 100, 2 वन जा 2 250 जा, सो इट इज 1 प्लस 1 बाय 50 टू द पावर 2 बिकॉज ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ 7500 इंटू दिस इज इक्वल टू 51 अपॉन 50 टू द पावर 2, 7500 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50, 00 विल कैंसिल, कुछ की चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, आफ्टर कैंसिलेशन आंसर विल बी 7803 रुपीज़। ये आपका फाइनल अमाउंट होगा, मीन शाम जो था 6 मंथ बाद ही उसे 7500 का 7803 रुपीज़ मिल रहा है, मीन्स अगर हम उसका इंटरेस्ट निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 7803 माइनस प्रिंसिपल इज 7500, मीन्स 303 रुपीज उसने अर्न किया एज एक्स्ट्रा मनी और एज इंटरेस्ट। अगर वो इसे घर में या सेफ में रख देता तो क्या उसे कोई बेनिफिट होता, या अपने पेरेंट्स को दे देता या नेबर को दे देता कि यू कीप दिस अमाउंट, तो वो अमाउंट एज इट इज ही रहता। बट उसने क्या इंटेलिजेंसी दिखाई कि ही हैज केप्ट इन अ बैंक, ही हैज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, और जैसे ही उसने बैंक में डिपॉजिट किया आफ्टर 6 मंथ देखिए उसे 303 रुपीज का बेनिफिट मिला। यहाँ पर आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि ये क्वार्टरली था, अगर ये हाफ ईयरली होता तो क्या होता, हाफ ईयरली होता तो टाइम 1 हो जाता, मीन्स हमें 1 निकालना होता। ठीक है, सो दोस्तों अभी हमने 2-3 टॉपिक पढ़े जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ही कैलकुलेट किया, पर कंडीशंस थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट थी। सबसे पहली जो कंडीशन थी दैट वॉज कंपाउंडेड एनुअली, ये मैं वापस से रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ कि आपको फिर से इसका यूज समझ में आएगा। कंपाउंडेड एनुअली तो फॉर्मूला आपका था अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। अब यही एनुअली जब हाफ ईयरली हो गया, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, 1 बाय आर बाय 200 टू द पावर 2 इंटू एन, एन इज व्हाट टाइम। सिमिलरली आपने जब ये थर्ड इसका ऑप्शन पढ़ा दैट वॉज क्वार्टरली, क्वार्टरली में भी फॉर्मूला वही रहा, थोड़ा सा चेंज हुआ, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 400 हो गया। ठीक है, और यहाँ 4 इंटू एन हो गया, कितना भी कर दें अब लेट से वो इसका कन्फिगेशन चेंज करते जाए तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्या आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि बैंक और जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो भी लेंडर और बोरोअर है उसने रेट है वो फिक्स रखी, 10% 20% 8% व्हाटएवर। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है टाइम 2 ईयर्स है बट रेट जो है फॉर फर्स्ट ईयर 10% है, फॉर सेकेंड ईयर 15% है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा लेंडर और बोरोअर के एग्रीमेंट पे। 2 साल के लिए हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया और लेट से लोन लिया जो भी किया, उन 2 साल में रेट सेम रहा है ऐसा कहाँ पर हो लिखा हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर का रेट अलग हो एंड सेकेंड ईयर का रेट अलग हो, ऐसी अगर सिचुएशन आए तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी हमने जो भी पढ़े उसमें टाइम से रिलेटेड डिफरेंस पढ़ा कि एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है।
अब हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इसमें टाइम तो जो पढ़े हैं वैसा कुछ भी हो सकता है, एनुअल, क्वार्टर, हाफ, कुछ भी, बट एज वेल एज रेट में भी चेंजेस है। अगर 3 साल की बात कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर रेट कुछ और है, सेकेंड ईयर रेट कुछ और है एंड थर्ड ईयर रेट कुछ और है, तब क्या होगा? ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो इस पे बेस्ड पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू। सबसे पहले हम देख लेंगे कितने बार, कितने साल की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स की, मीन्स 2 बार रेट चेंज हो रही है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/R1/100, ठीक है, एंड सेकेंड हो जाएगा 1+R2/100, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 ईयर्स। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ईयर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R1/100, सेकेंड में हो जाएगा 1+R2/100 एंड एक और इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ईयर्स एंड सो ऑन। अगर हम एन ईयर्स की बात कर रहे हैं तो एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया हमने 2 ईयर्स का, फर्स्ट में रेट कितना आएगा 10 एंड सेकेंड के प्लेस पर रेट कितना आएगा 15। लेट से 3 ईयर्स में थर्ड ईयर की रेट 20 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो इस पे बेस्ड पढ़ेंगे, बाकी जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो तो आपको माइंड में रखना ही है, वो कहीं भी लग सकता है। न्यू उसमें एडिशन ये हो गया कि रेट में भी वेरिएशन दे दिया। नाउ न्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें रेट्स डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए। राम सिंह बायस टीवी फॉर रुपीस 4000 ऑन क्रेडिट, मीन्स राम सिंह के पास नहीं थे, उसने किसी से लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जिसने भी राम सिंह को क्रेडिट दी उसने बोला फर्स्ट ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है। मीन्स ये पैटर्न वही हो गया जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। हाउ मच will it cost him if he pays the amount after 2 years? Amount after 2 years, 2 साल की बात कर रहे हैं और उन 2 साल में फर्स्ट ईयर का रेट अलग है, सेकेंड ईयर का रेट अलग है। सबसे पहले हम जो जो गिवन है वो लिख लें। राम सिंह ने जो है एक टीवी बाय किया है, उसका प्रिंसिपल है 4000, बिकॉज ये पैसा उसने क्रेडिट पे लिया है। आर वन, वाई आई एम राइटिंग आर वन, आर वन मीन्स रेट फॉर फर्स्ट ईयर, अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ बट ये अंडरस्टूड है कि मैं आर वन यूज कर रही हूँ, मीन्स इट इज रेट फॉर फर्स्ट ईयर, एंड सिमिलरली रेट फॉर सेकेंड ईयर विच इज आर टू। 4 साल की बात कर रहे हैं तो आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर एंड सो ऑन। ठीक है, आर वन इज 5%, सेकेंड ईयर की रेट जो है दैट इज 15%, टोटल टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स। फॉर्मूला आपका वर्क का वही रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ हो जाएगा बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट रेट्स, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 साल का। नाउ पी इज वॉट, 4000 इंटू 1+5/100, सिमिलरली 1+15/100, इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 20, ये आ जाएगा 4000 इंटू
21 बाय 20, यहाँ आ जाएगा 23 बाय 20। इसको काटा पीटी करेंगे, आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद इट विल गिव यू 4830 रुपीस। किसी भी नीडी पीपल और पुअर पीपल के लिए एक सिंपल सा क्रेडिट लेना कितना कॉस्टली पड़ा ये आप खुद देख सकते हैं। 4000 ही हैज टेकन एज क्रेडिट, उसने उधार लिया, एंड ही हैज टू पे 4830 रुपीज़ इन टू ईयर्स, मीन्स 830 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ, 4830 माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, 4830 रुपीज़ ही नीड टू पे एक्स्ट्रा। मतलब ऑलरेडी वो पुअर है, जब भी तो उसने क्रेडिट लिया है एक सिंपल सा टीवी बाय करने के लिए, और उसको 830 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, बिकॉज जो भी जो दे रहा है, जो जिसने भी उसे क्रेडिट दी है, उसने कंडीशन दे दी कि तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक न्यू पैटर्न है जो आना चाहिए। सो दोस्तों, अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल किया जिसमें हमने देखा कि रेट डिफरेंट है तब क्या होगा। हर ईयर के हिसाब से रेट जो है वो चेंज हो रही है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन टू वन प्लस, जितने ईयर की बात कर रहे हो रेट चेंज कर रहे हैं उतना, आर वन बाय 100, आर टू बाय 100, आर थ्री बाय 100 एंड सो ऑन। अब डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा कि हमने कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्लस डिफरेंट डिफरेंट रेट तो पढ़ लिया, बट मैम तब क्या होगा अगर टाइम ही फ्रैक्शन में दिया हो, लाइक टाइम दिया है फाइव वन बाय टू ईयर, और थ्री वन बाय फोर ईयर, कुछ भी सेवन वन बाय टू ईयर, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। तो अब जब टाइम अगर वेरिएशन दिया है तब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल दिया है लेट से कुछ भी 1000 रुपीस, रेट नॉर्मल दी है 10%, बट अब हमने टाइम जो है मान लीजिए ऐसा दे दिया। अब आप कहेंगे मैम इसमें क्या है, इसे तो हम सिंपल सॉल्व कर रहे थे, 4312 एंड 315 बाय 4 ईयर्स। माना मैंने आपने जैसा कहा, तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन, पी इंटू वन प्लस आर इज 10 बाय 100 टू द पावर, मैं 15 बाय 4 को कैसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, अगर टाइम मिक्स न्यूमरल्स या फ्रैक्शन के फॉर्म में है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा जो लास्ट पैटर्न है वो किस पे बेस्ड है, टाइम पे। इससे पहले वाला जो पैटर्न था वो किस पे बेस्ड था, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे। कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट में मैं आपको सारे जो है कंपेयर करके एक बार फिर से बताऊंगी। अभी जो मैं ये पैटर्न पढ़ रही हूँ इसमें क्या है, टाइम जो है वो फ्रैक्शन और मिक्स न्यूमरल के फॉर्म में दिया है, तब हम क्या करेंगे। आप अगर चाहें कि हम ऐसा करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर को आप फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं जो पावर को फ्रैक्शन में सॉल्व कर ले। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम टाइम को कन्वर्ट नहीं करेंगे, मिक्स न्यूमरल को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, टाइम को हम एज इट इज 3 3/4 ही रहने देंगे। अब जो आपका फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर बाय 100, जो भी गिवन हो आप लेंगे। यहाँ पर 3 3/4 में से फर्स्ट थ्री ईयर का एक फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस आर बाय 100 टू दी पावर, सेकेंड में क्या आ रहा है 3/4, क्योंकि 3 3/4 है। आप कहेंगे मैम अगेन यहाँ फ्रैक्शन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो 3/4 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इट विल मल्टीप्लाई टू द रेट। ये एक प्रोसीजर है, फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है, ये कहाँ से आया इसका एक प्रूफ है, उस पर बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर टाइम दिया है 3 3/4 लेट से, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो थ्री ईयर्स हैं वो एक फॉर्मूले में डाल दिया, 1 + r/100 टू द पावर 3, सिमिलरली इन सेकेंड ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर जो रेस्ट था वो कितना था 3/4, उस 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हम टाइम की थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लें तब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक बार मैं 2 1/2 ले लेती हूँ,
एक 5 2 बाय 3 ले लेती हूँ एंड एक 3 1 बाय 4 ईयर्स ले लेती हूँ, और ऐसे जितने केस आपको लेने हैं वो आप ले सकते हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, टाइम ये लिया है, एक बार टाइम ये लिया है और एक बार टाइम ये लिया है। हम इनके फॉर्मूले बना लेते हैं जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगी हमें कैसे करना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, पहला तो सिंपल हो गया, 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर, मिक्स न्यूमरल का फर्स्ट जो पार्ट है वो, ठीक है। इन द सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर हाफ होना चाहिए, पर जैसा मैंने आपको बताया कि पावर हम फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो दैट हाफ विल मल्टीप्लाई हेयर। इसको मैं थोड़ा सा नीट लिख देती हूँ, 1/2 इंटू आर बाय 100, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ब्रैकेट। वो जो हाफ है पावर में फ्रैक्शन है वो रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसके थ्रू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बकायदा जैसा निकलता है वैसा ही निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला केस ले लेते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर, फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 5, इन द सेकेंड केस 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर, बचा क्या है आपका 2/3। वो 2/3 हम पावर में ना लिख के मैंने जैसा आपको बताया क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड क्लियर हो गया। सिमिलरली हमने थर्ड एग्जांपल लिया, वहाँ भी यही अप्लाई होगा। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ, जिससे दिया हो तो एकदम से आपको लगाना आ जाए। 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 3, बिकॉज 3 आगे दिया हुआ है, ये पूरा मिक्स न्यूमरल है। अब इसमें से हमारा पार्ट बचा है 1/4 वाला, आर बाय 100 टू दी पावर क्या आना चाहिए 1/4, बट एज आई टोल्ड यू इट विल मल्टीप्लाई टू द रेट, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू आर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया, केवल टाइम का कॉन्सेप्ट बताया। इससे पहले हमने रेट डिफरेंट डिफरेंट ली थी, अब यहाँ हम टाइम के डिफरेंट डिफरेंट केस ले रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन रुपीज 24,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3 ईयर्स, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कि हमें वो अप्लाई करना है फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, मत याद रखिए, आप नॉर्मली सॉल्व करिए, आप खुद ही अटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। गिवन में हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 24,000, पहले मैं आपको गलत करके बताती हूँ, रेट है आपका 15% और टाइम है आपका 2/1/3 ईयर्स, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली मेंशन नहीं है, इट मींस इट इज कंपाउंडेड एनुअली बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम एनुअली वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन, देन वी विल पुट द वैल्यू, पी इज 24,000, 1 प्लस आर इज 15/100 टू द पावर। अब हम n चेक करेंगे, हम नॉर्मली अगर इसे करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1 7/3 ईयर्स कर देंगे, क्योंकि मिक्स न्यूमरल को कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है, ठीक है। अब जब यहाँ आप पावर में 7/3 लिखेंगे, आप ऑटोमेटिकली अटक जाएंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, ये होगा ही नहीं सॉल्व, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको इससे पहले कि ये हमें नहीं लगाना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या अप्लाई करना है। ना अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू, अब आप क्या करेंगे 1 प्लस आर बाय 100 जो भी टाइम दिया है उसके दो पार्ट कर लेंगे, एक ये और एक ये। पहले पार्ट में तो 2 प्लेन आ गया, एंड पावर में नंबर हमेशा चलता है, ठीक है। इंटू इन द सेकेंड पार्ट यू विल राइट आर बाय 100 टू दी पावर, आइडियली यहाँ आना चाहिए पावर 1/3, जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, बट लिखना नहीं है, अब ऑब्वियस है फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी रेट से, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू डालेंगे, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा. P is 24,000 into 1 plus R is 15/100 to the power 2, 1 plus 3/4 into 15/100, sorry 3/4 नहीं है, 1/3 है, 1/3 to the power कुछ नहीं है क्योंकि वो 1/3 हमने अंदर मल्टीप्लाई रेट के साथ कर दिया है. ठीक है, आप देखिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. 24,000 into 5 3 15, 5 20 100, 23/20 to the power 2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सेकेंड में क्या होगा, 3 5 15 एंड 5 से 100 कैंसिल होगा 20 टाइम्स, सो फाइनली इट इज 1/20. एक स्टेप में आपके लिए लिख रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये डायरेक्ट 21/20 हो जाएगा. ठीक है, 24,000 into 23/20 into it is equivalent to 21/20. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जीरो तो मुझे सारे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं. अब फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा इसका 33327 रुपीस, मतलब जो अमाउंट हो जाएगा, यानी आपने जो 24,000 रुपीस 2 1/3 ईयर के लिए डिपॉजिट किए थे और जो भी किया था, वो फाइनली अमाउंट आपका हो चुका है 33327 रुपीस. अगर यहाँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूँ तो विच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 33327 माइनस प्रिंसिपल वॉज वेरी लेस 24,000, मीन्स एज ए इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है या मिल रहा है, दोनों चीज़ हैं, 9,327 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली था, प्लस साथ में जो टाइम पीरियड था 2 1/3 ईयर था, तो सॉल्व होकर आपका जो इंटरेस्ट आया दैट इज 9,327 रुपीज़. तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो भी पढ़े एक बार हम वापस से रिकॉल करते हैं, हमने क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली उसके साथ रेट डिफरेंट दी हो तो क्या करेंगे वो पढ़ा, एज वेल एज हमने टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करेंगे वो पढ़ा. इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ यहीं पे आपको, सिर्फ समझाने के लिए, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगी, केवल प्रोसीजर बता रही हूँ कि ये तो एनुअली था, लेट से यहाँ हाफ ईयरली कर दें तब क्या होगा. देखिए अगर यही चीज थी, इसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की प्लेस पे क्या जाएगा 200, क्योंकि हाफ ईयरली है, यहाँ टाइम होता है N, N की प्लेस पे आ जाएगा 2 इंटू N बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट आएगा जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन है और ये एक है, हम दो पार्ट में लिख रहे हैं, 1 प्लस 1/3 इंटू आर तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ आ जाएगा 200 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ 400 आ जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले के कॉन्सेप्ट पढ़े वो तो कहीं भी लगेंगे एज वेल एज ये दो न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो भी साथ में लगेंगे. ठीक है,